खबर विकास नगर से है, जहां व्यापार मंडल का पुलिस प्रशासन द्वारा एक पहल करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बाजार के अंदर से जाम समस्या को हटाने के उद्देश्य से गीता भवन से एक बार में 25 टोकन देकर यूटिलिटियों को बाजार के अंदर प्रवेश देने का एक ट्रायल शुरू किया गया। गीता भवन से सभी वाहनों के रूट को कैनाल रोड बाईपास के तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि इस दौरान जाम की स्थिति बनी रही। उत्तराखंड समाचार से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि मार्केट के अंदर जाम की स्थिति के कारण आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए ट्राई के रूप में एक पहल शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि एक बार में 25 टोकन देकर यूटिलिटी को प्रवेश देने का फॉर्मूला सफल हो जाता है तो भविष्य में भी इस कार्यक्रम को इसी तरह से जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए बाजार के अंदर आम आदमी सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के चल सके, व्यापार मंडल और पुलिस प्रशासन मिलकर इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेगा। एक आज ट्रायल के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं कि 25-25 टोकन दे रहे हैं मार्केट में यूटिलिटी वालों को, 25 वो एक एक करके जो भी बाहर निकलता रहेगा फिर दूसरे वाले को देता जाएंगे, तो रेगुलर सबका काम चलता रहेगा। नई चीज है, जैसे कि अभी ई रिक्शा बहुत ज्यादा बहुत जो कि मार्केट के अंदर जो है अंदर दूर चल रहे हैं, ऐसे में ये इनके लिए क्या व्यवस्था है? ई रिक्शा को बाईपास किया जा रहा है मार्केट में, कम बाईपास जो लोडिंग अनलोडिंग वाहन के अलावा उसकी एक टाइमिंग रखी जाएगी लोडिंग अनलोडिंग की। आज लोडिंग कितनी हो पाई, एक टाइम पूरे बाजार में बैठ करके एक टाइम नोट किया जाएगा कि सुबह 10 से रात के 8 बजे के बाद या सुबह 10 बजे से पहले इस टाइल का एक टाइम बनाएगा।